टांग के लगवा के आइए। एंड जे कोहली फाइनली घर आ गए हैं। जैसे हमने रोशनी का ट्रीटमेंट कराया वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और यहाँ ये पगलेट ना माँ ने नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दी कर रही है। काफ़ी लोग पूछे थे आप हीट का कैसे पता चलता है, हीट का पता ऐसे चलता है, ये देखो ये सूंग रहा, देखो मिलन का कितना भूखा है ये। शिवाय के साथ शिवाय देखो कैसे ड्रिबल करता है, ये देखो। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल जी एन ज़ोई। तो फाइनली टांके लग गए हैं इसके, और जो इसका हाल था अब प्यारी बेचारी आ जा, अब तो शेरनी बन गई है। आ जाओ उतर अब नीचे आ जा, वो देखो आँख के ऊपर देख रहे हो, ये देखो टांके लगवा के आइए। आँख बच गई तेरी है, बच गई ना तेरी आँख। तो गाइस पता नहीं अब क्या हो रहा है, देख लो अभी हमने ये सेट किया था पूरा पूरा, और ये दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाई थी और ये खोल के भाग गई, और फिर दोबारा पीछे भागना पड़ेगा, बट इवेंचुअली थोड़ी देर में आ जाएगी तो हम पकड़ते हैं उसे। टांके तो लग गए हैं ठीक है, और डॉक्टर ने भी बोला कि उसे खुला छोड़ दो, और रेबीज का टीका हम मतलब इंजेक्शन जो भी इसका लगना है अगला 2-4 दिन के अंदर दोबारा लगवाते हैं, ये अभी तक का अपडेट था। तो दिशु ना लेट हो गया आज जाने के लिए, दिशु कह रहा कि ऐसे भगी है ना, कैसे भगी है, कैसे है, बहुत तेज भाग गया, पानी में गीला हो जाते बरसात रहे छुटकी पा। चला पापे चलो अंदर, ओए ओए देख देख पीछे गेट कैसे खोला है। और यहाँ मैं फाइनली थका के आया था, एंड टू माय सरप्राइज पूरी फैमिली यहाँ बैठ के खाना खा रही है, मन्नी खिला रही है शिवाय को जबरदस्ती खाना, एंड जे कोहली फाइनली घर आ गए हैं। जे कोहली वेलकम होम, और साथ में ना जोई वाली पोजीशन ले रही है क्लोई ने, तो पूरा फैमिली का फ्रेम आपको दिख रहा होगा। ये देख रहे हो अमेली नहीं है बेटा, क्लोई है, क्लोडो, आज मैंने इनकी क्लोई है ना जे, आपका प्यार तो क्लोडो से भी पड़ गया है ना क्लोडो। और यहाँ हमारी माता जी भी है, क्या मम्मी हेलो कर दो, हेलो हेलो, लोग आपको भी बड़ा याद करते हैं। अच्छा, हेलो, कहते हैं आपकी मम्मी बहुत कम दिखती है। और यहाँ पे ना शिवाय देख लो मम्मी से लड़ रहा कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा तू जो मर्जी कर ले, ए खाना खा ले शिवाय, खाना खा, ओपन योर माउथ, ओपन। पूजा मैडम को फोन करना भाई, तू तो स्कूल जा, इसको शाम को भी स्कूल भेजो, चलो चेक कर ले। तो ये तो चाहता ही इसका अंडरवेयर बाहर है। देख लो यार बच्चों को खाना खिलाने में कितनी जान लग जाती है, उसे पानी पीना था। सो गाइस रात के बज गए हैं 11, और अब मैं लेके आया हूँ क्लोई को फ्री कराने, और दूर आपको दिख रहा होगा बब्जी, तो बब्जी दूर घूम रहा है, क्लोई यहाँ पर है, चला आजा आजा, हाँ डर मत, चल चल, ये बब्जी के साथ थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, जोई के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, चलो 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 बेटा शुशु कर ले, चलो चलो करो, गुड गर्ल गुड गर्ल। ये थोड़ी थोड़ी देर में ना खुल जाएगी, पर ये मुझे देखी जा रही है कि पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड गर्ल। तो मैं ध्यान से देखूंगा कि ये कब शुशु करेगी, चलो चलो चलो, गुड गर्ल गुड गर्ल, वेरी गुड, चलो आपने खाना खा लिया ना, करो शुशु करो, हाँ क्या शुशु करो 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 करो, बाबा कहाँ क्या शुशु करो, चलो करो। तो गाइस मैं इसको शुशु कराता हूँ, तो आज इसको नहीं पता नहीं क्या हुआ है, ये तो कर नहीं रही शुशु पॉटी, बट बब्जी लगा हुआ है हर एक गाड़ी पे अपनी बारिश करने। और यहाँ पर ना मैं देख रहा था ये बैठी हुई है, चार्ली बैठी हुई है, और चार्ली की मम्मी बैठी हुई है उधर, वो दिख रही है आपको, बट मुझे रोशनी नहीं दिख रही, रोशनी भाग गई है, जैसे हमने रोशनी का ट्रीटमेंट कराया वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और एकदम भागी, मतलब हमने उसको पकड़ना था भाग गई, अब कल सुबह देखते हैं, बट अभी मुझे 3 दिन का टाइम है मेरे पास उसकी वैक्सीनेशन कराने का, और कल तो मैं किसी भी हालत में पकड़ ही लूँगा उसे, और पकड़ना पड़ेगा,
पर फिर भी आज जान बच गई उसकी। सुबह सुबह ये और बब्जी आए हुए थे और साइड पे हमारी आई हुई है रोशनी। रोशनी देख लो बेटर हो गई है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना। छोड़ना क्या, हमने छोड़ना तो था नहीं, बट इवेंचुअली कल ये भाग गई और हमारे हाथ नहीं आई और अब ये बब्जी के पीछे पीछे घूम रही है। तो इसका अल्लाह पास में ही है, तो जैसे ही दीशु और सन्नी आएंगे, अभी तो सुबह के 6:30 बजे आएंगे, तो हम इसको केज में बंद करके इसकी सुबह की मेडिसिन और ऑइंटमेंट लगा देंगे। 7 दिन लगाने हैं और इसको एंटी रेबीज भी लगवाने हैं 2-3 दिन के अंदर। तो बस ये शुरू करेंगे हम, तो हमें पता चल गया मतलब अब रेस्क्यू करना पड़ेगा इसे हर बार, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर ये बाहर घूमते हैं तो इसको घूमने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि दोबारा लड़े ना किसी से। तो वो तो हमारे बस में है नहीं, क्योंकि ये भाग जाती है मिनट से पहले। अगर हम केज में ही बंद करें तो भी ये पूरी रात ची 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 करेगी, क्योंकि अब आदत खुली में रहने की हो गई है। और यहाँ ये बैठी हुई है सुबह सुबह। बेटा तू पॉटी करने आई है, यहाँ पे मस्ती थोड़ी मारने आई है, लेट रहे वो तो तू घर में भी लेट जाएगी, है ना। चलो ओए हंजू हंजी ओए होए होए होए। सैटरडे मॉर्निंग, हवा बहुत अच्छी चल रही है, सुबह के बज गए हैं 9:30 और आज मैंने सिर्फ 70 मिनट कार्डियो किया एंड आई डिड नॉट डू एनी वेट ट्रेनिंग। मेरा ना घुटना बहुत दर्द कर रहा है। कल अगर आपने सुबह का ब्लॉग देख लिया नमितोलॉजी का तो देखो, कल यार उसने बहुत भगाया। अगर आपने सुबह का ब्लॉग नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। यस्टरडे वी रेस्क्यूड वन ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स जमीरीज पपी रोशनी, और उसको हमने थोड़ा सा कंडीशन उसकी बेटर की है और अब वो हमारे आसपास ही है। यहाँ मैं सुबह जिम में आया था तो मैंने सिर्फ ट्रेडमिल खोली है, कोई भी बेंच नहीं निकाला। मेरी ना लात बहुत दुख रही है, ये वाली मेरा नी पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और इसी चक्कर में शायद शाम को भी मैं खेलने ना जाऊँ। बस अब ना घर चलते हैं, आज जे भी घर में है, आपको सीधा घर में ही मिलते हैं। जिम का इतना ही आज सही था। मेरे को काफ़ी लोगों का आया कि आप जिम का ना थोड़ी सी झलक जरूर दिखाया करो, तो ये देख लो कि हाँ मैं आया हूँ, मेरी अटेंडेंस लग गई है। तो अब चलते हैं, शिवाय जे मन्नी सब घर पर हैं, तो उनसे मिलते हैं एंड ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सैटरडे मॉर्निंग। और यहाँ सुबह सुबह ना दामनी अंदर बैठी हुई है जहाँ बैठना चाहिए था रोशनी को। रोशनी आवारागर्दी कर रही है, कल चोट लगी है फिर भी, और ये पानी पी रही है यहाँ पे। तो ये गेट हम खुला रखते हैं ताकि इनका मन करे तो। अब देख लो अब अंदर आइए धूप सेकने और पानी पीने के लिए, क्योंकि आसपास ना कोई भी पानी रखता नहीं है, और कोई रखता है तो कॉलोनी में 3-4 लोग ऐसे हैं उसको ना डंडा मार के तोड़ देते हैं, कोई भी मिट्टी का बर्तन हो तो आप कर नहीं सकते उसके अंदर। और यहाँ देखो प्यार से ना लेटी हुई है, देख रहे हो घर के बाहर सब अपनी अपनी जगह लेटे हुए हैं, और मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर कहीं पे भी मुझे दिख जाए वो, और मैं उसको ना रेस्क्यू कर लूँ, क्योंकि उसको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है, उसे चोट काफ़ी लग गई है। और यहाँ से आने वाला है दीशु। और क्या हुआ क्या हुआ, बब्जी का ये रहा बाहर, लाता तू बाहर कैसे आ गया एकदम, है बब्बा एकदम बाहर आया, बब्जी का नाम लिया ना बर्जी का बाप। और देखो ऊपर दोनों के दोनों यहाँ से देख रहे हैं। हाँ कहाँ जा रहा है फिर दोबारा अंदर, कितनी बार अंदर जाएगा यार, ये लो जाके अपनी मार्किंग छोड़ देता। तो गाइस कल मैंने आपको बताया था ना बब्जी को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रीड डॉग से नफरत करो। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग होते हैं प्रोटेक्ट कर लेते हैं स्ट्रीट डॉग्स को। कल आपने देखा कैसे खाना उसने बचाया है, रिसोर्स गार्डिंग जो ये कर रहे थे, रिसोर्स गार्डिंग का बेसिकली फूड एग्रेशन था इन तीनों के अंदर, और हमने फाइनली रोशनी को एक प्लेट खाना दे दिया। और यहाँ ये पगलेट ना माँ नहीं रही, नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दी कर रही है। सनी दिशु आ गया, इसको नीचे ले आओ दोनों को। तो फाइनली ना बब्जी अभी भी ना उसके पीछे पड़ा है। काफ़ी लोग पूछे थे आप हीट का कैसे पता चलता है, हीट का पता ऐसे चलता है, ये देखो ठीक है, ये देखो ये सूंघ रहा ठीक है, और ये ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा ठीक है, और वो हम चढ़ने नहीं देंगे। ये देखो देख रहे हो, ये देखो बस, ये देख रहे हो बस, अभी तक हीट इसका ना ख़त्म नहीं हुई है, और तब तक हम इसको अलग रखेंगे। देखो मिलन का कितना भूखा है ये, देख रहे हो कितना भूखा है ये। नहीं बेटा नहीं, हाँ कुछ अच्छे ला लेते, ऐसे गले से आवाज तो निकल नहीं रही है। हे नो नो, ये देखो ये साथ में भाग रही है क्लोई,
देख रहे हो आप, कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और वहाँ वो तीनों खेल रहे हैं। क्या हुआ है? खेलने के बाद तो और खेलना है, खेलने को हम दे नहीं रहे क्योंकि वहां पे वो तीनों के तीनों अपना एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हो। और ये देखो यहाँ पे पागल हुआ हुआ है बब्बे, बस कर। वेरी गुड मेरे बच्चों। हाँ क्या करने आए हो आप, जाओ खेलो ना उधर खेलो। आप मेरे पास क्यों आ गए हो, मेरे पास क्यों आ गए हो, मेरे पास क्यों आए हो ये तो बताओ। जाओ खेलो उधर, जाओ जाओ जोई के साथ खेल लो। क्लोई जाओ जोई के साथ खेलो, जाओ जाओ जा क्लोई जोई के साथ खेल ले, जा जा मेरे बच्चे। चलो ये देखो छत पे आ गई है मेरे पास। बाश बाजा, वेरी गुड, जा 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 वो आ गई, आ गई, छोड़ियो मत उसे, छोड़ियो मत, देख आ गई, पकड़ ले उसको, पकड़ ले पूछ से। हाँ गुड गर्ल, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ लिया आपने, बहुत अच्छा। बॉल लेके आ गए, देख लो। हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो जे कोहली आपको फाइनल दिख गया बास्केटबॉल के साथ शिवाय के साथ। और शिवाय देखो कैसे ड्रिबल करता, ये देखो बेड के ऊपर से ही ड्रिबल करना शुरू किया इसने। हाँ जी ये देखो, वेरी गुड वेरी गुड। तो फाइनली आपको गाइज आपको ना जे दिख गया, जे कल रात को हमारे साथ सोया है और अब ये यहीं रहेगा, ये देखो खुश, ही इज वेरी। ए मुंह को नोचता अपने, देख लो इधर जे कोहली, इधर आओ, इधर आओ, वेरी गुड। अब दिखाओ आपने फेस पे क्या किया, ये देखो फेस पे आप देखो, ये देखो इसे ना स्क्रैच कर लिया अपने आप को। जे कोहली शिवाय कोहली, ये देखो ये तो अलग ही धुन में चल रहे हैं सारे के सारे, यहाँ दबा के बास्केटबॉल चल रहा है इनका दिन के अंदर। हाँ जी सुबह उठते ही खाना खा लिया, खाना खा लिया आप सबने, है मन्नी जे ने नहीं खाया, मैंने अभी बोला नहीं, बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ देख लो, ओ मस्ती चल रही है, इधर इधर एडिटिंग चल रही है, इधर मस्ती चल रही है, इधर एडिटिंग चल रही है, इधर मस्ती चल रही है। हाँ बोलो। हाँ ओके सो गाइज अब टाइम है कमेंट सेक्शन का, तो कमेंट सेक्शन ले लेते हैं, तो कमेंट सेक्शन शुरू करते हैं। और आज कमेंट सेक्शन ना थोड़ा कम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमें रोशनी को दवाइयाँ लगानी है और वो हमारे हाथ नहीं आ रही है। तो पहला कमेंट है नेक्स्ट ट्रिप अमृतसर, तो डेफिनेटली अमृतसर हम आएंगे। लेडी ओली जितना प्यारा बच्चा पूरे वर्ल्ड में शायद नहीं होगा, शी इज़ द बेस्ट रॉट अमंग, यस डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और क्लोई भी अब उसी नक्शे कदम पे है, वो देख लो फिर घूम रही है। हाँ हाँ मेरा बच्चू, हाँ मेरा बच्चा, रुक जाओ। लेडी ओली कितने साल की है, लेडी ओली है हमारी 2.5 साल की। थैंक यू भैया मेरा कमेंट पढ़ने के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आपने कहा था बाप आएगा, अगर आएगा तो आप मत बताओ, कोई बात नहीं, थैंक यू। राहुल सर थैंक यू फॉर द व्लॉग्स, कीप फाइटिंग द गुड फाइट, डोंट वरी अबाउट मोरॉन्स हु नो हु डू नॉट नो ऑफ अबाउट डॉग केयर। गाइज इसी के ऊपर ना मैंने आपको एक बात भी बोलनी थी, कल हमारी वीडियो आने वाली है 12 बजे, लेट्स टॉक K9 के ऊपर episode number 3, बहुत ज़रूरी है। और अभी हमने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी शूट की है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन रह गई थी और दिखाना बहुत ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन है राजश्री गोंदरिया 9410, इनके 3 क्वेश्चन हैं। आर यू वेजिटेरियन? नो। वेयर डिड यू गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम? आई डिड अ कोर्स ऑफ 1.5 ईयर्स, मैंने 2013 में किया था कनाडा के अंदर डॉग बिहेवियर के ऊपर, और आई एम ए सर्टिफाइड डॉग बिहेवियरिस्ट, नॉट ए ट्रेनर आई वुड से। और हाउ कैन आई मेक माई डॉग शिड यू इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स? तो आप लेट्स टॉक K9 को देख लो, उसके अंदर हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। लेट्स टॉक K9 चैनल का नाम है, लेट्स टॉक K9 इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। ओके 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 कर्नाटका से मैसेज है समर्थ का,
राहुल जी हमेशा स्टेट में डॉग बैन कैंसिल हो गया और इस बारे में हमें रिएक्शन क्या है ये आपको ना लेट्स टॉक K9 पे पता चलेगा। विजिट त्यागीज रॉड कैनल गिव इन्फॉर्मेशन टू अबाउट देयर डॉग बैन प्लीज़ विजिट त्यागीज रॉड कैनल गिव इन्फॉर्मेशन टू अबाउट देयर डॉग बैन रिएक्शन। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं किसी के कैनल क्यों जाऊँगा, ठीक है। इंडिया से ब्रीड बैन आत गया क्या एंड यू आर नमिता इज अ प्लीज़ पिक माई कॉमेंट मिस्टर यूनिक थैंक यू। तो गाइज काफ़ी कॉमेंट्स आए हैं, मैंने सारे कॉमेंट्स पढ़ लिए और आज मैं ना कम से कम कॉमेंट्स लेना चाहता हूँ ताकि मैं आपको बोर ना करूँ। अभी हमने ना मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जल्दी जल्दी जाना है और उसको ना ऑइंटमेंट लगाने हैं, कल हम उसकी दवाइयाँ लेके आए हैं। आपने सुबह नमितोलॉजी का अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख लो, मैंने सिर्फ आज बहुत कम कमेंट्स लिए हैं, कल हो सकेगा तो लाइव भी आएंगे डेफिनेटली क्योंकि कल संडे है, नहीं तो कल तो आपके कमेंट सेक्शन हम पूरे ही लेंगे। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा सा छोटा रह गया, 14-15 मिनट का बनेगा और आज पूरा देखना और कल 12 बजे प्लीज़ वादा करो मुझसे लेट्स टॉक K9 का एपिसोड नंबर 3 जरूर देखोगे, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ बच्चे अपनी मस्तियाँ मार रहे हैं और इसी के साथ हम भी मस्ती मारते हैं और आपको करते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी, जय हनुमान जी।